सो हेलो दोस्तों, आप सभी को जय श्री राम। कल जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो डाला था, आप लोगों ने देखा भी कि राम राज्य आया है या चोरों का राज्य आया है। लेकिन दोस्तों, एक और दर्दनाक घटना हमारे गांव में घटित हो गई है। 24 जनवरी की रात में मैंने आप लोगों को बताया थे कि 2 महीने में 12 चोरियां हुई हैं, लेकिन 24 जनवरी की रात में 8 जगह चोरियां हुई हैं हमारे गांव में। और ये चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब आप बताइए, क्या कहा जाए? क्या सचमुच में चोरों का ही राज आ गया है? जिस तरीके से ठंड है, इस ठंड के महीने में 8 जगह चोरियां हुई, और उसका आपके स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, उसका मैं आप लोगों को प्रमाण दे रहा हूं। और पुलिस अभी भी उन चोरों को पकड़ पाने में कामयाबी नहीं हासिल कर पाई है। दहशत का माहौल पूरे गांव में है। ऐसा लगता है कि चोरी करना एक गिल्ली डंडे का खेल हो गया है। नींद खोल करके उठो और मन में आ गया चोरी का, सीधे दिन दहाड़े लोग चले जा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं। लेकिन इस पर अभी भी सबसे बड़ी शौक की बात है कि अब तक 20 चोरियां हुई, जो पिछली रात में 8 चोरी हुई, लेकिन पुलिस ने अभी भी उन चोरों को पकड़ पाने में असमर्थ रही है। ये कौन सा राम राज्य आ गया है? अब आप ही बताइए, क्या किया जाए, किसके ऊपर ये दोषारोपण किया जाए? इस कड़कड़ाती ठंड में लोग अपने छतों पर बैठ करके पूरी रात अब चोरों को पहरा दे रहे हैं, चोरों का पहरा दे रहे हैं, कहीं चोर हमारे घर में घुस ना आए। इस समय मानो पूरे गांव की जो स्थिति है बहुत ही खराब हो गई है। लोग हताश हैं, निराश हैं, और कार्रवाई के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। क्या यही राम राज्य है? अब आप कहेंगे कि यहां की पुलिस क्या कर रही है, जायज है? उनसे पूछने पर वो कहते हैं कि जांच जारी है, जो भी कुछ भी पता चलेगा तो आपको जानकारी दी जाएगी। अब ये पता कब चलेगा? जब पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा तब पता चलेगा। अब लोग अपने घरों में चैन की नींद न सो करके छतों पर इस कड़कड़ाती ठंड में चोरों का पहरा देंगे।
नहीं मेरे दोस्तों, ये राम राज्य नहीं, ये चोरों का राज्य आ गया है और इसे हमें आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।